Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope so you'll be fine. Today 23rd July 2020, Thursday, lecture number 11, and your diary is chapter number 5, question number 1, 2 plus 5 on book page number 56-57 learned. So open your book page 56 and your question number 1 is write proper term word against each statement. आप लोगों को उन्होंने हर स्टेटमेंट दी हुई है, उन्होंने कहा है कि उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट आप लोग क्या करेंगे, एक अगेंस्ट हम लोग एक वर्ड राइट करेंगे. जैसे कि उन्होंने दिया बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. रीडिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर मादे को कहते हैं, तो मादा किससे मिलके, मैटर किससे मिलके बना हुआ होता है. रीडिंग में हमने पढ़ा था एटम्स, तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, एटम्स. नेक्स्ट है द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. ऐसा मैटर जो सिर्फ एक ही किस्म के एटम से मिलके बना हुआ हो उसको क्या कहते हैं, ये भी रीडिंग में पढ़ा था, उसको एलिमेंट कहते हैं. तो यहाँ पे राइट करेंगे एलिमेंट. नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. ये अभी हम लोगों ने परसों ही डिस्कस किया था कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोगों ने ऐसे मिक्सचर को सेपरेट आउट करना हो जिनका बॉइलिंग पॉइंट, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो, तो वो हमारे पास कौन सा मेथड आता है, वो डिस्टिलेशन था. डिस्टिलेशन में ही हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास दो डिफरेंट तरह के, हमारे पास जो मिक्सचर है, मिक्सचर में जो कंपोनेंट होंगे उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा. नेक्स्ट द सेपरेशन ऑफ कलर्ड केमिकल. ये तो हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, कलर्ड केमिकल को सेपरेट आउट करने के लिए जो मेथड यूज होता है उसको कहते हैं करोमेटोग्राफी. यहाँ पे आप लोग राइट करेंगे करोमेटोग्राफी. नेक्स्ट है अ सॉलिड चेंजेस इनटू वेपर विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड. ये भी कल पढ़ा था कि अगर कोई हमारे पास सॉलिड है तो उसको हमने चेंज करना है लिक्विड में, उसको हम लोगों ने, अगर हमारे पास सॉलिड है वो डायरेक्टली हमारे पास वेपर्स में चेंज हो रहा है, सॉलिड से वेपर्स में, लिक्विड में नहीं जाता, तो उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन. तो यहाँ पे आप लोग क्या राइट करेंगे, सब्लिमेशन. तो क्वेश्चन नंबर 2 है इन सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर. आप लोगों ने वो बेस्ट आंसर जो चूज करना है. व्हेन एलिमेंट आर जॉइंड केमिकली इन अ कंपाउंड दे. अगर कंपाउंड है, कंपाउंड में हमने पढ़ा था दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली आपस में मिलेंगे तो वो कंपाउंड बनाएंगे. तो उन्होंने कहा है कि नीचे से ऑप्शन पढ़ें, जब वो केमिकली आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, वो अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो खो देते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं. तो लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, जो पहले वो होते हैं वो नहीं रहते, केमिकली कंबाइन होने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं. तो यहाँ पे हम लोग ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब एलिमेंट. नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि कौन सी चीज़ है जो एलिमेंट को डिस्क्राइब नहीं करती. तो कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. तो ये वाली जो है ये एलिमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, उनको हम सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ सकते हैं, तो ये वाला चूज करेंगे. विच सब्सटेंस इज अ कंपाउंड. कंपाउंड हमने कहा था दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब केमिकली आपस में मिलेंगे, तो कार्बन अकेला है, क्लोरीन भी अकेला है, सोडियम भी अकेला है, तो सोडियम और क्लोराइड ये दो आपस में केमिकली मिले हुए हैं, तो कंपाउंड कौन सा होगा, सोडियम क्लोराइड. विच प्रोसेस कैन बी यूज टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर. उन्होंने कहा कि हम लोग साल्ट और पानी को मिक्स करेंगे तो इन दोनों को हमने बाद में अलहदा करना है, तो अलहदा करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे. तो हमें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है और साल्ट का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, और अगर हमारे पास दो कंपोनेंट इस ऐसे मिक्स हुए हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो, तो उनको सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं डिस्टिलेशन. तो हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे, डिस्टिलेशन. How can you see the colors of chemical present in bright colored chocolate bean? आपके पास एक ब्राइट कलर की चॉकलेट है, उसमें आप लोगों ने देखना है कि जो केमिकल्स यूज हुए हैं वो कौन कौन से कलर के यूज हुए हैं. तो कह रहे हैं आप कौन सा तरीका यूज करेंगे, तो ये भी हम लोगों ने कल पढ़ा था कि पेपर क्रोमेटोग्राफी से हमें पता चल जाएगा कि जो केमिकल्स यूज हुए हैं किस कलर के यूज हुए हैं और कितनी तरह के यूज हुए हैं. नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्सेप्ट मैप. कंप्लीट द कंसेप्ट मैप यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स. वर्ड्स कौन से यूज करने हैं, एलिमेंट, सब्सटेंस, मिक्सचर, कंपाउंड. तो सबसे पहले हम लोग नीचे देखते हैं वन काइंड ऑफ एटम, एक तरह के एटम मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट. तो यहाँ पे हम लोग ये वाला चूज करेंगे, एलिमेंट.
टू आर मोर एलिमेंट कम्बाइंड, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड। तो यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे कंपाउंड वर्ड, यहाँ पर राइट करेंगे। नेक्स्ट है टू आर मोर सब्सटेंस मिक्स नॉट कम्बाइंड, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स हों बस कम्बाइन ना हुए हों, मिक्स हों, तो वो चीज़ हमारे पास आती है मिक्सचर। तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, मिक्सचर। तो एक हमारे पास वर्ड बच गया वो है सब्सटेंस, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, सब्सटेंस। तो आप लोगों ने ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से लर्न करने हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। जज़ाकअल्लाह।